हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टैरो 777। मैं हूँ नेहा। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉन साइन, यानी कि मकर राशि के लिए। ये हफ्ता कैसा रहेगा? फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, फ्रॉम 2nd of November टू 8th of November। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि मकर राशि के लिए, यानी कि कैप्रिकॉन साइन के लिए, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर कैसा रहेगा। नाउ इट्स अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन हु इज वॉचिंग। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉन साइन के लिए ये हफ्ता उनके करियर के लिए। फर्स्ट वील टॉक अबाउट करियर, द करियर, फाइनेंस, जॉब। Oh my God, too many cards. Just a second, guys. Now let's see और देखते हैं क्या है for our Capricorn people for the first week of November. ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉन के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक फॉर देयर करियर एंड फाइनेंस। और आप अपनी मनी की तरफ में भी काम कर रहे हैं, यू आर सेविंग मनी, यू आर डूइंग समथिंग। नाउ मनी इज कमिंग इन, नाउ मे बी हो सकता है यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम सम सोर्स, और आपके पास यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग और मे बी मैनिफेस्टिंग मनी इन योर लाइफ। कुछ था आप अपने पास्ट में, कुछ लाइक बेसिकली आप कुछ कर रहे हैं करियर वाइज, और मे बी लाइक हाई प्रीस्टेस यू आर कीपिंग समथिंग टूवर्ड यू, यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। आप किसी काम की नॉलेज ले रहे हैं, कुछ आप इनर लाइक विजडम आ रही है आप में, राइट। कुछ ऐसा कुछ है जो आप लोगों से नहीं बता रहे हैं अभी, बट हाई प्रीस्टेस इज लाइक वेरी लाइक वो कहते हैं ना कि बहुत स्पिरिचुअल एंड वेरी लाइक बहुत, जिसके पास बहुत नॉलेज होती है बहुत, लेकिन वो अपने आप किसी को बता नहीं रहे हैं। मे बी आपका काम ऐसा हो, लाइक मे बी हो सकता है आप कोई काम ऐसा करते हो, मे बी आप रीडर हो या कुछ हो या एस्ट्रोलॉजर हो लाइक दैट, और यू आर डूइंग समथिंग टूवर्ड्स योर वर्क। और मे बी हो सकता है आप अभी किसी को नहीं बता रहे हैं अपने काम के बारे में, या यू आर सेविंग मनी, और मे बी हो सकता है कि कुछ पास्ट में कुछ ऑफर हुई हो जिनकी वजह से लाइक आप पास्ट में, मे बी हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप रेडी ना हो, बट यू आर लाइक डूइंग, यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज फॉर सम वर्क, और कुछ एक्सपैंड कर रहे हैं। वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ट्स, लाइक जो भी आप काम कर रहे हैं यू आर एक्सपैंडिंग दैट बिजनेस, कुछ ग्रो कर रहे हैं। मे बी यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम समबडी, और मे बी आप का काम ऐसा है कि आप बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत लोगों को गाइड कर रहे हैं अपने काम के थ्रू, राइट। वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हेयर, सो आप मनी भी अर्न कर रहे हैं, बट आपका काम ऐसा है, मे बी आप बहुत लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं अपने काम के थ्रू, बहुत मदद कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज एज आई टोल्ड यू, कि आप मे बी हो सकता है आपका कोई काम ऐसा हो जिसमें आप बहुत लोगों के साथ डील करते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं, राइट। और देन वी हैव मैजिशियन, कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग लॉट ऑफ लाइक मनी इन योर लाइफ। मे बी आप लाइक एन एम्प्रेस, वेरी काइंड, वेरी नर्चरिंग, मदरली फिगर, और मे बी मदर है आप, और सिंगल मॉम भी हो सकती है, मदर है, और यू आर सेविंग मनी और कुछ कर रही हैं। मे बी आपको कोई रिसेंटली कोई ऑफर्स मिल रही हो जिनको आप हटाकर आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कुछ कर रहे हैं, कुछ अपने लाइक अपनी यू आर गेटिंग नॉलेज, और आपको अपनी गाइड के साथ मिलकर कुछ एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। और आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें सडन शिफ्ट इज कमिंग, कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, कुछ चल रहा है, कोई मूवमेंट, कुछ आगे कुछ ग्रो कर रहे हैं, राइट। और
लाइक समथिंग इज चेंजिंग फॉर बेटर ऑफ कोर्स, और कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है आपके अराउंड, और आप भी लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं अपने काम के थ्रू, राइट? सो येस, दैट्स ऑल वी हैव फॉर लाइक करियर. नाउ वील सी कि कैप्रिकॉन पीपल के लिए, यानी कि मकर राशि के लिए, उनकी लव लाइफ में क्या है, राइट? कैप्रिकॉन पीपल के लिए उनकी लव लाइफ में क्या है, क्या हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट उनकी लव लाइफ कैसी चल रही है इस हफ्ते, दिस वीक. उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन साइन, यानी कि मकर राशि के लिए देयर लव लाइफ, लेट्स सी. ओके, सो कैप्रिकॉन पीपल, मैं यहाँ देख रही हूँ, हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है टू, या समबडी इज़ फीलिंग वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, क्विक समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू टू ऑफर देयर लव, और ऑफर्स हैं आपके पास. बट आप सी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के पास ऑफर्स हैं इन लव, बट आप उनको लाइक यू आर नॉट रेडी टू टेक. समबडी लाइक हैव मेनी, मे बी आप अपने लाइक काम पे फोकस्ड है, और आप कुछ लाइक आपके पास टू ऑप्शंस है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है. समबडी इज़ हैविंग लाइक lot of emotions, passionate feeling towards you. We have king of wands and we have queen of wands, right? तो कोई आपके पास आना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, but maybe you are not ready. We have queen of wands but in reverse, right? So आप किसी के like you are not ready, then we have king of cups. तो आपके पास definitely more than two options है. Somebody लाइक दो लोग हो सकते हैं. वन इज़ लाइक अ वेरी मैच्योर पर्सन, वेरी काइंड पर्सन, और उनके मन में फीलिंग्स हैं बट वो किसी को बताते नहीं हैं, और दे कीप इट टू देमसेल्व्स, राइट? और द अदर वन इज़ लाइक वेरी फायरी, वेरी पैशनेट, वेरी काइंड ऑफ, और वेरी इगोइस्टिक पर्सन, और मे बी हो सकता है लाइक वेरी जिसे कहते हैं ना कि ओवर पावरिंग और ओवर डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है. बट समबडी इज़ लाइक आप जो भी सीक्रेट लाइक दे मे बी हो सकता है वो सीक्रेटिव हो या सीक्रेट्स रखते हो, मे बी हो सकता है उसकी वजह से आपने अपने आप को पुल बैक कर लिया है. कोई पैशनेट है, कोई आपको न्यू ऑफर देना चाहता है, कुछ काम कुछ करना चाहता है, लाइक ऑफर मे बी दे कम टूवर्ड्स यू, राइट? दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू. देन वी हैव नाइन ऑफ कप्स. तो मे बी जो हो सकता है वो पर्सन इमोशंस होल्ड करके रखते हों, आपसे ठीक से ना बताते हों, राइट? किंग ऑफ कप्स, मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं. आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और फायर साइन, और अगर फायर साइन है तो मे बी वो पर्सन है उनके लाइक हो सकता है फायर ट्रेट्स हो, लाइक वेरी फायरी एनर्जी, वेरी डोमिनेटिंग, और वेरी लाइक दैट पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी, राइट? सो किसी ने बहुत एफर्ट्स डाले थे इन द रीसेंट पास्ट, और अभी भी कोई आप मे बी हो सकता है आपके पर्सन आप फैमिली चाहते थे उनके साथ या समथिंग लाइक दैट, और वो पास्ट में देवर नॉट रेडी, देवर लाइक ऑल अबाउट पैशन एंड ऑल दैट. नाउ आपने अपने आप को सिनर्जी में से निकाल लिया है, और कोई ऑफर है, कोई ऑफर देना चाहता है, समबडी न्यू, समबडी ओल्ड, कोई ना कोई है जो आपको ऑफर देना चाहता है, और उस और वो उस मून एनर्जी में अब नहीं रहना चाहते हैं. समबडी वॉज सीक्रेटिव, और अब वो उस मून एनर्जी में लाइक नहीं रहना चाहते. दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट, और दे वॉन्ट टू मेक लाइक दे वॉन्ट टू ऑफर यू, और मे बी हो सकता है आपकी विशेज फुलफिल्ड हो जाए विद दैट पर्सन जो आपको रीच आउट करें, राइट? सो यस,
मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स हियर, तो कोई ज़रूर आपको कोई ऑफ़र दे, पैशनेट बिगनिंग चाहता है, कोई न्यू ऑफ़र देना चाहता है, कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, बट मे बी यू आर नॉट इन अ मूड. आप उनको लाइक उनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट. मे बी समबडी लेफ्ट इन द पास्ट फॉर अदर ऑप्शंस, राइट? और जिसकी वजह से आप लाइक यू वर लाइक आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, बट यू वर लाइक आपको बहुत बुरा लगा था, बट नाउ कोई बिगनिंग चाहता है आपके साथ, राइट? और वी हैव मोर देन लाइक आपके पास मोर देन टू ऑप्शंस है डेफिनेटली. कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, राइट? बस बट वो जो क्वीन है शी इज़ नॉट रेडी. वो किसी का जो जिनके साथ उन्होंने गलत उन्होंने गलत किया था पास्ट में, वो अब उनको लाइक दे आर नॉट लाइक शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट पर्सन एनी मोर. लाइक उनका जो बिहेवियर था, जो भी पैटर्न था, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती. वो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहती हैं, मे बी, राइट? सम सॉर्ट ऑफ न्यू ऑफर चाहती हैं और कुछ चाहती हैं, राइट? सो या दैट्स ऑल वी हैव फॉर द कैप्रिकॉन साइन. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट. थैंक यू सो मच.